Dear students, my name is Suresh Bula and I used to teach subject electronics devices. You are all aware about the term electronics as well as devices. You all know the devices, gadgets you are using nowadays, same, that gadgets are basically based on the electronics, are same devices, okay. So, electronics, devices. In this subject, the subject is quite large. That means, कि हम इसके अंदर जितना डीप इसके जाएं समझने की कोशिश करेंगे, जितना डीप जाएंगे उतना ही ये सब्जेक्ट वास्ट लगेगा, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ नहीं है सब्जेक्ट, दिस इज वेरी सिंपल। बस थोड़ा सा इसके लिए आपने अपनी इमेजिनेशन पावर को हाई रखना होगा। आप अगर किसी जो मैं फैक्ट्स या जो भी मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ या जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको अगर आप इमेजिन कर पाते हैं, अगर आप इमेजिन तो आप इन बताई हुई चीज़ों को इजिली ग्रैप्स करो, ठीक है। जो मैं चीज़ें बताऊंगा आप इजिली ग्रैप्स करोगे। इन सब्जेक्ट्स के लिए यू हैव टू जस्ट इमेजिन करना होगा। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ओके, धीरे धीरे मैं आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा क्या होता है सेमीकंडक्टर। उसके बाद फिर आपका जो ये फिजिक्स है, देखिए जो हम टॉपिक लिखेंगे उस टॉपिक को हम टॉपिक के टर्म वाइज क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने सेमीकंडक्टर लिखा है, देखिए हमारे जो ब्रांच है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें हमारे 90% वर्क जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ही यूज़ करके होता है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो ये मैंने सब्जेक्ट यहाँ आपका मेंशन कर रखा है, इस सब्जेक्ट में जो मटेरियल यूज़ होता है वो 90-95% आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे एक बाई एक जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स के वीडियोज आगे आते जाएंगे उनमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स। बट बिफोर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, इसके बारे में हम समझेंगे क्योंकि ये हमारे यूनिट का एक हेडिंग है और जिस सब हेडिंग से हमारा यूनिट स्टार्ट होता है, दैट इज प्रीव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से हमारा बेसिक जो मेन पोर्शन है हमारे सब्जेक्ट का वो स्टार्ट होता है प्रीव्यू ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आएगा ये हम समझेंगे क्या है क्वांटम, क्या है मैकेनिक्स, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ किया है, जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ किया है, इस फिजिक्स को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो फिजिक्स है बेसिकली क्या है। देखिए जनरली क्या होता है, जो फिजिक्स, क्योंकि जब तक हमें फिजिक्स नहीं पता लगेगा तब तक हम फर्दर आगे के टॉपिक्स को हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे फिजिक्स क्या है। देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि चाहे हम छोटे थे, चाहे हम एडल्ट हुए, चाहे हम बूढ़े हुए, तो हमने जिन भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जिन भी चीज़ों को हमारे साथ में सराउंडिंग्स में जो भी घटनाएँ होती थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हमने समझना स्टार्ट किया, ठीक है, जब हम छोटे होते थे, नो डाउट दैट दैट सिचुएशंस वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डे, व्हाट इज नाइट, व्हाट इज रेनी सीजन, व्हाट इज विंटर सीजन, व्हाट इज समर सीजन। तो जब हमारी समझ डेवलप, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, तो हमने देखा कि कुछ समय के बाद दिन रहता है, फिर शाम आ जाती है, शाम होने के बाद फिर रात हो जाती है, रात होने के बाद अगेन फिर दिन आ जाता है, हमारे डेट जो है वो एक्सटेंड करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बारिश होता है, आंधी आती है, तूफान होता है, कभी ठंड पड़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव करता है, कोई
कोई ऑब्जेक्ट वो धीरे से मूव करता है, कभी जो सूरज है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर होता है, फिर कुछ समय बाद वो दूसरे एंगल पर चला जाता है। फिर हम किताबों में पढ़ते हैं कि हमारा जो अर्थ है जिसपे हम रहते हैं वो अर्थ रोटेट कर रहा है, कभी हम जानते हैं वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, कभी खुद के एक्सिस पे ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, कभी किसी प्लेनेट के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये जब हम पहले उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, एक इंच पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फिर इन जो ये फैक्ट्स होते हैं, चाहे हम जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि जैसे फल है तो फल हम देखते थे कि फल जब टूटता है तो वो नीचे गिर जाता है, वो फल क्यों नहीं ऊपर गया, पत्ते झड़े तो वो क्यों नीचे आया, या कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैंने थ्रो किया वो नीचे गिरा, वो क्यों नहीं ऊपर गया। तो ये जो सारी घटनाएँ हो रही हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, वो चाहे डेली लाइफ में हो, चाहे वो हर 10 दिन पर रिपीट हो, चाहे वो हर 6 महीने पर रिपीट हो, जब भी वो इंटरवल पर रिपीट हो रही है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये घटनाएँ हो रही हैं, जो ये हैपनिंग्स हो रही हैं, ये बेसिकली हमारे नेचर से जुड़ी हुई हैं और इनको हम किसी न किसी लॉ या फिनोमिना के तहत ही हम समझते हैं, ठीक है। और वही लॉ जो देता है आपका, वही देता है आपका फिजिक्स। देखिए ये फिजिक्स जो है बेसिकली ये ब्रांच है आपकी साइंस विज्ञान की, ये एक शाखा है साइंस की, बेसिकली एक ब्रांच है। देखिए साइंस है, साइंस हमें सब लोगों को पता है कि साइंस क्या है, बेसिकली ये बेसिकली क्या है, विज्ञान, ठीक है। अब देखिए जो ये साइंस है, हम एक पल के लिए मानते हैं कि हम साइंस को ना मानते, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि साइंस जैसे कहते हैं कि ये चीज़ें विज्ञान कहता है, तो कुछ लोग उसका ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं नहीं ये विज्ञान कहता है तो जरूरी नहीं है कि ये सही कहता हो, क्योंकि जैसे पंडित लोग होते हैं बताते हैं कि हमारा जो है वो पत्रा जो है वो सही बताएगा और ये ऐसे होगा, विज्ञान गलत बताएगा, या साइंटिस्ट जो होंगे, जो फिजिस्ट होंगे, जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, वो कहेंगे नहीं जो हम फैक्ट्स बता रहे हैं बेस्ड ऑन दिस साइंस वो सही होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम जब इस साइंस की बात करते हैं, इस विज्ञान की बात करते हैं, तो हम एक पल के लिए मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक पल के लिए मानते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि विज्ञान जैसी चीज़ कोई नहीं, मतलब कि इनडायरेक्टली आई से कि आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस साइंस, मैं जो भी हूँ नास्तिक हूँ, आस्तिक हूँ, जो भी हूँ, दैट डजंट मैटर, लेकिन मैं एक टाइम के लिए, एक इंसिडेंस के लिए मानता हूँ कि आई एम नॉट डीलिंग विद द साइंस। ओके स्टूडेंट्स, यू आर नॉट डीलिंग विद द साइंस, बट वन थिंग रिमेंबर, अगर आपको प्यास लगे, इफ यू आर थर्स्टी एंड जस्ट हैव गॉन फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, आप पानी लेते हैं, एक ग्लास में पानी को भरते हैं और पानी भर के आप पी लेते हैं, आपने उसको पिया, आप साइंस को नहीं मानते, यू आर नॉट डीलिंग विद द साइंस, आपने उस पानी के ग्लास को पिया, अब आप जब आप ग्लास को पीते हैं पानी, आपकी प्यास लग जाता है, आप रिलैक्स फील, ओके। हियर इन दिस सिचुएशन यू आर सेइंग यू आर नॉट डीलिंग विद द साइंस, बट साइंस इटसेल्फ डील्स विद यू, साइंस आपके साथ डील कर रहा है, जो आपकी प्यास बुझी है वो कहीं ना कहीं एक लैकनेस थी, वो लैकनेस जो आपके स्टमक में थी वो कहीं ना कहीं रिएक्शंस जनरेट हो रहा था, उसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा था जो आपके अंदर एक इच्छा डिजायर जनरेट कर रहा था, वो इच्छा क्या थी, प्यास की, पानी की, वो पानी को आपने बुझाना था और आपने मान रखा था कि साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। तभी मैंने बोला कि आप भले सोच लो कि देयर इज नो साइंस एंड आई एम रेडी जस्ट टू नॉट डील विद द साइंस, बट साइंस इटसेल्फ विल डील विद यू, वो डील करेगा, वो H2O जो केमिकल फॉर्मूला है पानी का, वो H2O जाता है हमारे स्टमक में, फिर तमाम तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस की हमारा आउटपुट जो फाइनल रिएक्शन आता है, जो आपका केमिकल फॉर्मूला बन के आता है, वो कुछ किस प्रकार से हमारे न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि वो हमारे ब्रेन को बताता है कि हाँ अब मेरी प्यास बुझ चुकी है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप भले सराउंडिंग्स में होने वाली घटनाओं के साथ आप ना डील कर रहे हो, साइंस ना मान रहे हो, बट साइंस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज, आपकी एग्जिस्टेंस है या आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, साइंस ऑलवेज विल डील विद यू, ओके। इसी साइंस की ब्रांच है आपकी फिजिक्स। तो ये जो आपकी फिजिक्स है बेसिकली, अब देखिए ये मैं फिजिक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बेसिकली 11th स्टैंडर्ड का है, जो फिजिक्स है आपका ये बेसिकली 11th स्टैंडर्ड्स का ही है, लेकिन फिर भी अब हमारा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बेसिकली इसी फिजिक्स का भी पार्ट बनता है, आपका सेमीकंडक्टर। तो जब तक आप इस फिजिक्स को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप ये जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ पाएंगे, और जब तक कि आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझेंगे फर्दर आगे, क्योंकि देखिए जो भी सिलेबस डिजाइन किए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है, कि
कि आप शुरुआती दौर से एक किसी फैक्ट पे या किसी जानकारी से स्टार्ट करते हैं और फाइनली आप सक्षम होते हैं ये डिवाइस बनाने के। तो आपको सक्षम होना है, आपको ये जानना है कि डिवाइसेस कैसे बनेंगे, लेकिन वो डिवाइसेस बनने के लिए आपको पहले बेसिक्स जानना जरूरी होगा। और वही बेसिक्स का स्टार्ट मैं करता हूँ इस फिजिक्स से जो साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये आपका टर्म है फिजिक्स, ये बेसिकली लिया गया है लैटिन वर्ड, ये बेसिकली लिया गया है लैटिन वर्ड फिजिका। ये फिजिका से लिया है, ठीक है। आपको पता है कि जो यहाँ पे लैटिन वर्ड हम यूज करते हैं, जनरली दो टाइप के वर्ड यूज करते हैं, आइदर वी यूज लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो जो फिजिक्स है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिजिका, और ये फिजिका इसी से लिया गया है फिजिक्स। तो ये जो फिजिका है इसका फिजिका का मीनिंग होता है नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। ये जो शब्द है फिजिका, इसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स, मतलब आप इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे हैं कि जो फिजिक्स है कहीं ना कहीं वो नेचर से रिलेट कर रहे हैं, प्रकृति से रिलेट कर रहे हैं। तो वही जो अभी मैं कुछ देर पहले जो मैंने बताया था आपको कि जो हमारे सराउंडिंग्स में, जो प्रकृति में हमारी घटनाएँ होती हैं, उन्हीं घटनाओं के क्रमबद्ध हम उनको एक फिनोमिना, एक लॉस के तहत हम ढाल देते हैं और उन लॉस की हम स्टडी करते हैं, और उन लॉस की स्टडी करके ही हम ये जज कर पाते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं, या उन घटनाओं के आने होने पे क्या संभावनाएं होंगी, क्या जो ठंड इस बार पड़ी है वही ठंड अगले साल भी पड़ेगी कि नहीं, क्या जो अभी दिन हुआ है वो कल को दिन होगा कि नहीं, क्या जो आज रात हुई है वो रात कल होगी कि नहीं होगी, क्या अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं इसी स्पीड से आगे चलूँगा, या मैं पीछे चल रहा हूँ तो क्या मैं इसी स्पीड से पीछे चलूँगा, किस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, कितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही रहूँगा या मैं ऊपर भी उड़ सकता हूँ। तो ये जो सारी घटनाएँ हैं ये सब प्राकृतिक घटनाएँ हैं, नेचर से रिलेटेड है, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हम फिनोमेना से रूल सेट करते हैं और उसी को नाम देते हैं, उसी की जो पढ़ाई करते हैं, जिस ब्रांच में इसको पढ़ाई करते हैं उसी को नाम देते हैं फिजिक्स, ठीक है। Generally, if you go through in various books, you will find the definition for this physics. It is basically a branch of science which deals with the combination of matter and energy. ठीक है, जो physics होगा इसको हम कहीं कहीं देखेंगे या maximum books में देखेंगे, इसकी definition defined होती है कि it is a combination of matter.
न्यूक्लियर फिजिक्स। सी जो यहाँ पे मैंने जो फिजिक्स मेंशन किया हुआ है, इस फिजिक्स के ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस लिखे हैं। जो अभी हम कुछ समय पहले जो हमने समझा कि जो ये आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अब इसी फिजिक्स की हम ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देखेंगे। उस ब्रांच में हमने मेंशन किया यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स ब्रांच होती है, जियो फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बायो फिजिक्स, एकॉस्टिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मच मोर। बिसाइड इट देयर आर मोर एंड देयर आर फ्यू मोर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एग्जिस्ट। अब इतनी ब्रांचेस क्यों हो गई, क्योंकि हमें पता है कि नेचर में जो घटनाएं ऑकर हो रही हैं, जो इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, वो एक ही इवेंट्स नहीं है। हम अगर देखेंगे तो डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घटनाएं होती हैं और उनको हम अलग अलग ब्रांचेस में क्लेरिफाई कर देते हैं, उन ब्रांचेस में हम उनको ढाल देते हैं, जिसकी वजह से हम उनको पढ़ सकें और हमारी जो ब्रांचेस है, जो हमारी फिजिक्स है, वो आसान हो सके। ठीक है, अब देखिए जैसे दिन रात होना, ठीक है, ये जो दिन रात होना, गर्मी और ठंडक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दिन रात होना, ये दिन रात जो है वो कंटिन्यूसली होगा, हर 24 आवर्स के बाद 24 आवर्स जो है आपका दिन रहेगा, फिर 12 आवर दिन रहेगा, फिर 12 आवर रात रहेगी, फिर अगले 24 आवर जैसे बीतेगा, फिर अगला फिर दिन आ जाएगा, 12 घंटे का फिर रात होगी, तो ये हर 12 घंटे पे हो रहा है। लेकिन एक कड़ाके की ठंड और एक टॉप लेवल की गर्मी, ये दोनों 12 घंटे पे नहीं, 12 घंटे में ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है और 12 घंटे बाद में तुरंत 0 डिग्री पे आ जाए, नहीं, वो एक लंबे समय के बाद होगा। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों हैपनिंग्स हैं ये आपस में रिलेटेड नहीं है, हैं दोनों इस नेचर के एक पार्ट, दोनों नेचर के पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग है। इस वजह से उनको हम इन ब्रांचेज में ढाल के और फिर उनकी हम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स, ये हमारा फिजिक्स है। सी अब हम देखिए ये स्टेप वन था, अब स्टेप टू पे हम आगे फिर हम जानेंगे, हम धीरे धीरे स्विच करेंगे इस क्वांटम मैकेनिक्स में, हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि साइंस है, ये विज्ञान है, ठीक है, इस विज्ञान की ब्रांच है आपकी फिजिक्स और फिजिक्स के बाद ये जनरली आपकी ब्रांच है। लेकिन स्टूडेंट्स यू हैव टू बी फोकस ऑन दिस क्लासिकल फिजिक्स, बिकॉज हम इस क्लासिकल फिजिक्स पे आ रहे हैं, वी हैव नॉट टू डील विद दिस जियो फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बायो फिजिक्स, वट एवर इट मे बी, हमें डील करना है इस क्लासिकल फिजिक्स से। दैट्स व्हाई ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर हम नेट पे देखेंगे तो ऑर्डर हमें नेट पे इधर उधर मिल सकता है, बुक्स में भी आप देखेंगे में भी ऑर्डर उधर मिलेगा, तो ये आपके मन में नहीं आ जाएगी सर हमारे फैकल्टी ने बताया यही तो यही होगा 100%, या सर बुक में देखा है तो सर आपने बताया नहीं। ब्रांचेस जो है रैंडम है, वो डिपेंड करता है कि किस थिंग से हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं और उनको हम ब्रांचेस में पढ़ना होता है हमारा, इसी वजह से मैंने पहले लिखा है, क्योंकि जब नंबरिंग होती है तो ऑलवेज ये बट नेचुरल है, ये भी प्रकृति का एक नियम है कि हमारे फर्स्ट वाले चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्लास का फिजिक्स के ही बारे में देखें, क्लासिकल फिजिक्स, जो
1900 के पहले आपकी फिजिक्स एग्जिस्ट करती थी, उसको हम नाम देते थे क्लासिकल फिजिक्स। ओके, तो जो ये क्लासिकल फिजिक्स थी इसके बेसिकली तीन मेन पार्ट्स थे। ठीक है, मैंने बताया कि जो क्लासिकल फिजिक्स थे उसके बेसिकली तीन मेन पार्ट्स थे। वो पार्ट्स थे जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था आपका दैट वॉज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स ये क्लासिकल फिजिक्स का फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो आ रहा था दैट वॉज थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड पार्ट आपका क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड जो था दैट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सी, हमें अभी कुछ इंस्टेंट पहले मैंने आपको बताया व्हाट वाज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। ओके, सी आफ्टर इट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इन दैट व्हाट आई हैव मेंशन इन दैट यू फाइंड एट द फर्स्ट नंबर एट द टॉप ऑफ द मार्क यू फाइंड क्लासिकल फिजिक्स। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट अप टू 1900, आई एम नॉट टॉकिंग आफ्टर द 1900, आई एम टॉकिंग जस्ट बिफोर द 1900, बिफोर 1900 द क्लासिकल द फिजिक्स विच एग्जिस्ट, बिफोर 1900 द फिजिक्स विच एग्जिस्ट दैट वॉज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। अगर मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कि अप टू 1900, मतलब यहाँ से कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा कि अब आने वाला फिजिक्स को हम ये क्लासिकल फिजिक्स नाम नहीं देंगे, कुछ और नाम होगा, बट आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, अभी इस स्टैंड पे हम माने कि यहाँ पे जो है 1900 के पहले तक जो फिजिक्स एग्जिस्ट कर, क्योंकि जहाँ जब से आप समझ पाए नेचर को या जब से नेचर एग्जिस्ट कर रहा था तब से ये फिजिक्स एग्जिस्ट कर रहा। जब से अगर आपके दिमाग में आएंगे सर आपको बता रहे 1900 के पहले क्लास का फिजिक्स था, तो सर ये कब से चला फिजिक्स, या क्योंकि लास्ट तो आपको पता लग गया 1900 तक क्लास का फिजिक्स था, आने वाला फिजिक्स कुछ और नाम चले जाएगा, लेकिन कब से सर स्टार्ट हुआ, ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसी वजह से यहाँ बताया था कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स कहाँ से, इसका मेन वर्ड मीनिंग क्या था, इसका जो लैटिन वर्ड था फिजिका, और उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था नेचुरल थिंग, मतलब नेचर से रिलेटेड, मतलब प्रकृति से रिलेटेड। तो जब से प्रकृति की एग्जिस्टेंस तभी से फिजिक्स की एग्जिस्टेंस। मैं अपने जब और आगे लेक्चर्स में जब और डिटेल में आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे दौर रहा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए हमें जो जानना है वो हमें ये जानना है कि जब से नेचर रहा तभी से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो गई, हम भले ही लेट रहे उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स थी वो एग्जिस्ट तब से होने लगी। अब देखिए 1900 तक हमारी हमें पता लग गया कि जो फिजिक्स एग्जिस्ट करते थे दैट वाज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। अब उनमें हमने बताया तीन ब्रांचेस बन गई, तीन ब्रांचेस बने, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो आपकी ब्रांचेस बनी, ठीक है, सो दीज आर व्हाट दीज थ्री ब्रांचेस, दीज थ्री ब्रांचेस और दीज थ्री मेन पार्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, दीज थ्री ब्रांचेस आर वेरी एग्जैक्ट इन इट्स सेल्फ। बहुत एग्जैक्टनेस थी इनमें, इन ब्रांचेस में। क्या एग्जैक्टनेस थी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता करना होता था, वो मोशन या उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं, कोई मूविंग बॉडी हो, कोई स्टेशनरी बॉडी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ पता करना होता था, तो हम इन ब्रांचेस का, इन पार्ट्स का सहारा लेते थे। और इनका जब आप सपोर्ट लेते थे, इन थ्योरीज का जब आप सपोर्ट लेते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का, क्योंकि ये अलग अलग जो मैंने पार्ट बताया इनकी अलग अलग थ्योरीज थी, इनके इनका अलग अलग रूल्स थी, इनमें अलग फॉर्मूलाज थे, रूल्स थे, इनमें अलग फॉर्मूलाज था, रूल्स था, इनका अलग फॉर्मूला रूल्स था। कहने का मतलब ये तीनों अलग अलग डोमेन्स, ये तीनों अलग अलग डोमेन्स थे। जैसे क्या मतलब है जो मैं डोमेन्स बता रहा हूँ, ये डोमेन्स किस प्रकार से समझे गए, इससे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप कॉलेज में आते हैं, आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आप पहला स्टेज हम लेते हैं एडमिशन लेते हैं। तो क्या मतलब है इस डोमेन्स का, जो ये अलग अलग डोमेन्स में बता रहा हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ।
अब एक डोमेन आपको एडमिशन लेना है, आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज परिसर में जब आप आते हैं तो आप एडमिशन के लिए अगर लेट्स सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आप ऐसा नहीं कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, वहीं पर अपना सब डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और चले जाते हैं और फिर आके क्लास करने लगते हैं या फीस आप लेते हैं तो ब्रांच में जमा कर लेते हैं। नहीं, उसके लिए अलग डोमेन स्पेसिफाई किया गया। अगर आपको फीस जमा करना है तो अकाउंट सेक्टर बनाया गया, अकाउंट डोमेन बनाया गया, अकाउंट ऑफिस बनाया गया, आप फीस वहाँ करेंगे, वहाँ जमा करेंगे। ठीक है वो आपसे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस अलग बनाना है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए वहाँ अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए। फिर अगर आपको लेट सपोज कि कुछ और काम है, ड्रेस इशू कराना है, तो जो ड्रेस इशू कराना है वो ड्रेस इशू के लिए आप फिर अकाउंट ऑफिस में ले जाएंगे, ना कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डोमेन्स बनाएंगे, उस डोमेन्स में आप जाके अपना काम पूरा करते हैं। नो डाउट वो सारे डोमेन्स आपसे रिलेटेड है, ड्रेस इशू होगा आपने पहनना है, जो फीस जमा हो रही है वो आपके लिए है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा वो आपके लिए है, वो आप एक ही, लेकिन आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स बनाने की वजह ये होती है इससे बाद में जो भी हमारे आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो हम हर जगह से कलेक्ट कर लेंगे और इजीली जो है हम उसको अगर बाद में कभी हमें कैच करना हो डिटेल्स तो हम इजीली ले पाएंगे। सेम उसी तरह यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाएंगे, इनका अपना अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनका अपना अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनका अपना अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज, साथ ही इनके रूल रेगुलेशन अलग, इस ब्रांच के रूल रेगुलेशन अलग, इस ब्रांच के रूल रेगुलेशन अलग, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील बने। अब देखिए मैंने बताया जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो हम इसमें इनके रूल्स को यूज कर लेते थे, जो ये फिनोमेना थे, जो ये रूल्स थे, जो डोमेन्स स्पेसिफाई करते थे उनको बेसिकली इंप्लीमेंट कर लेते थे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये ठीक था, एग्जैक्ट, नो डाउट इसमें एग्जैक्टनेस पूरी थी, कोई प्रॉबिलिटी नहीं थी, एग्जैक्ट आंसर मिलता था जो हम रूल्स लगाते थे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़े, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रिसर्चेज होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती हैं, व्हाट वी फाउंड, सी तुम ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी फाउंड कि देयर आर फ्यू डोमेन्स वेयर दिस क्लासिकल फिजिक्स फेल्स। ये तीन ब्रांचेस थी क्लासिकल फिजिक्स की, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या देखें कि जैसे साइंटिस्ट आगे, देखिए हम यहाँ पे हैं, नो डाउट रिसर्चेस चल रहे हैं डिफरेंट एराज में, डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्चेस चल रहे हैं, तो हम अपने आप को सोए खाएं, फिर अगले दिन फिर उठें सोए खाएं, हम कुछ काम ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं काम हो रहा है और प्रकृति जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूसली रहती है, वो इंतजार नहीं करती है। अब जैसे मान लीजिए जो प्रकृति है जिसमें ये सारी घटनाएँ हो रही हैं, वैसा नहीं कि अब मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं रात नहीं हूँ, अब मैं दिन ही रहूँ, नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ साइंस है जो ऑटोमेटिकली इंटरवल्स में वो चीज़ें बदल रही हैं, तो वो कभी भी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। वैसे ही साइंटिस्ट भी नहीं रुके, साइंटिस्ट भी हैं वो ऑब्जर्व करते रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, कंटिन्यूसली चलाता रहा, वो जो दौर है वो चलता रहा। तो हमने क्या देखा कि इन ब्रांचेस का सहारा लेके हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा डोमेन बनता है जिसमें ये आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो ये आपका क्लासिकल फिजिक्स है, ये फेल हो गया। मीन्स देयर आर टू डोमेन्स, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट टू डोमेन्स, there are two domains where this classical physics actually fails. What are these domains? I will discuss it. I will let you see. दो
सेकेंड पार्ट माइक्रोस्कोपिक एटम्स, माइक्रोस्कोपिक एटम्स, ठीक है। सी मैंने बताया ये दो डोमेन्स हैं जहां पे आपका क्लासिकल फिजिक्स फेल हुआ है। तो जो मैंने यहां लिखा है, जो मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया है कि हाई स्पीड और माइक्रोस्कोपिक एटम्स। सी हाई स्पीड कहने का मतलब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इतने स्पीड से मूव करे कि हम उसकी तुलना लाइट से करें, मतलब लाइट का 20%, लाइट का 40%, स्पीड ऑफ लाइट की बात करो, स्पीड ऑफ लाइट का 60%, स्पीड ऑफ लाइट का 80%। जैसे जो मैं ये परसेंट ले रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से जो मैं तुलना कर रहा हूँ, ये मैं स्पीड ऑफ लाइट की तुलना मैं अपने आप से नहीं करता। या यूसेन बोल्ट जो सबसे तेज एथलीट है, दौड़ता है, मिल्खा सिंह जो मर्जी रहा एथलीट, जो भी जितना मर्जी तेज भाग सकता है, या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, वही ले लीजिए आप, पल्सर हो गए, सीविजेड हो गए, जो भी गाड़ियाँ हो या BMW हो, रेस कार्स हो गए, जो भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स की भी हम तुलना परसेंटेज में हम नहीं कर पाएंगे स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3×10^8 ms होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी ऑब्जेक्ट जो कि इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जिसकी हम तुलना स्पीड ऑफ लाइट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्लासिकल फिजिक्स फेल। लेट्स सपोज मैं मूव कर रहा हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ, लेट्स सपोज, या यूसेन बोल्ट जो सबसे तेज है उनका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स यूसेन बोल्ट लेट्स सपोज दौड़ रहा हूँ, बताते हैं इतने समय में कितना मीटर वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो इतने समय के बाद वो कितने मीटर और डिस्टेंस कवर कर लेंगे, या इतने समय में वो और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो ये हम क्लासिकल फिजिक्स में जो भी डोमेन्स है यूज करके, जो भी फॉर्मूलाज है यूज करके हम बता सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इतने स्पीड से मूव कर रहा हो स्पीड ऑफ लाइट से, तो हम नहीं बता सकते, हम वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि हम ये जान सकें कि इतने समय बाद ऑब्जेक्ट कहाँ हो, क्योंकि स्पीड क्या है बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस वाले डोमेन में, फर्स्ट डोमेन में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट के जैसे वो कहीं ना कहीं फेल, तो यह आपको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है कहाँ फेल है। दूसरा रीजन जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स फेल होता है, सी जो मैंने लिखा है माइक्रोस्कोपिक एटम्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स डील करता है ऑब्जेक्ट, वो करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल जो आपका क्लासिकल फिजिक्स स्टूडेंट्स डील करता है, वो करता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब मिलीमीटर, 10^-3 meters, मिलीमीटर, उस स्केल पे जो डीलिंग होती है वहाँ हम क्लासिकल फिजिक्स से काम चला लेते हैं, और काम नहीं चलाते, एग्जैक्ट आंसर देता है आपका क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन जब बात माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आती है, जब हम बात एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की करते हैं, एटम्स के और अंदर झांकते हैं, उस दौरान आपका क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है। तो हमने देखा कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एग्जैक्ट थ्योरी है, एग्जैक्ट हमारा आंसर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो जा रहा है, ये एग्जैक्टनेस अब कहाँ गई। तो वही हम जान रहे हैं कि जो ये एग्जैक्टनेस जो है हमें नहीं मिल रही है, वो हो रहा है, उसका रीजन बनना है कि आपका जो मैक्रोस्कोपिक में, जब माइक्रोस्कोपिक बात एटम्स के बारे में देखते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं हमारा जो है क्लासिकल फिजिक्स क्या हो रहा है वो फेल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें पता लग गया, अब इसी को हम जो ये फेल्योर की जो दोनों रीजन है इसी को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो इससे पहले हम ये जान पाए कि अप टू 1900 जो आपकी फिजिक्स हुआ करती थी दैट वॉज क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन हम जब और अंदर गए, ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे देखा, ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू देखा, तो हमें लगा हमारी भाई क्लासिकल फिजिक्स से बात नहीं बनेगी, क्लासिकल फिजिक्स से बात नहीं बनेगी तो फिर किससे बनेगी। अब आएगा इसका सॉल्यूशन, जो ये डोमेन जहाँ फेल हो रहे हैं, तब क्या, क्योंकि मैंने बताया आपको कि साइंटिस्ट रुके नहीं, हम आप भले रुक जाएं, साइंटिस्ट पहले भी, अभी और आगे भी, दे विल नेवर स्टॉप, बिकॉज द रिसर्च इज डे बाई डे, द रिसर्च वर्क गोइंग ऑन, ठीक है। और इसी को हमारी गवर्नमेंट
हरदम बढ़ावा देती है क्योंकि इससे हमें पता लगता है। अब अगर ये फेल्योर हो रहा है किन्हीं कारणों की वजह से, हम चुपचाप बैठ गए होते तो हमें आने वाला पता नहीं लग पाता कि आने वाला फिजिक्स क्या हो सकता है, या हम एटम से ऊपर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही जाके सरेंडर हो चुके होते। लेकिन नहीं, यही रिसर्चर्स करते हैं, रिसर्चर्स या जो फिजिस्ट हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जो बल्ब का आविष्कार हुआ था, ठीक है, तो बल्ब के आविष्कार में भी पहले ऑब्जर्वेशन में बात नहीं बनी थी, 100-150 बार ऑब्जर्वेशन किए थे तब नॉर्मली एक हमें बल्ब मिला। उस बल्ब के बाद धीरे धीरे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैटेगरीज, वराइटीज, क्वालिटीज आने लगी बल्ब में। तो कोई भी चीज़ हमें तुरंत नहीं प्राप्त हो पाती, अगर तुरंत प्राप्त हो गई तो दैट इज बाई गॉड ग्रेस, यू आर सो लकी, गॉट इट। तो अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा क्लासिकल फिजिक्स दो डोमेन्स में फेल हुआ। ठीक है, अब देखिए जहाँ ये फेल होता है, ये हमें पता लग गया कि 1900 के पहले तक की ये कहानी थी, 1900 के पहले तक क्लासिकल फिजिक्स एग्जिस्ट करता था, बढ़िया से एग्जैक्ट आंसर देता था, लेकिन अब वो फेल हो गया जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, या उससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसका 60% है स्पीड ऑफ लाइट से, या जब हम एटम्स को, जब हम ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द माइक्रोस्कोपिक। और मैंने मैक्रो की बताई रेंज की है मिलीमीटर, 10^-3 मीटर, ये स्केल था, ये लेवल था, और माइक्रो की आपको बताइए 10^-6 मीटर, गॉट इट। सी, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, अंदर देखा हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन के मास
मार्क्स के बारे में जानकारी अगर हमें प्राप्त करना हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो है ये आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है वो फेल हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पे नई ब्रांच का जन्म होता है और वही आपकी जो नई फिजिक्स एग्जिस्ट करती है फर्स्ट वाले केस के लिए, दैट वॉज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जो हमारे मैंने बताया ये वो डोमेन्स थे जहां पे आपका क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रहा है। तो अगर फेल हो रहा है तो हम क्या करें, मैंने बताया कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स रुके नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्वेशंस लेते गए, तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने नए थ्योरी से दिया और उसको बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास आ गई। अब दूसरा जो हमारा है एटॉमिक रियलम, अब एटॉमिक रियलम जो मैंने बताया जब हम एटम्स के बारे में देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जब हमने स्टडी की, इनकी स्टडी की कि इनकी स्पीड क्या हो सकती है, या ये अगर इस टाइम पे इस पोजीशन पे है तो अगले टाइम पे इनका पोजीशन क्या होगा, तो इनकी जानकारी हमने लेना हुआ तो वहाँ पे भी हमें पता लगा कि क्लासिकल फिजिक्स फेल कर रहा है। तो एटम से रिलेटेड जब हमें जानकारी चाहिए होगी और वहाँ पे हमारा क्लासिकल फिजिक्स फेल करता है तो फिर हमारी नई थ्योरी डेवलप होकर आती है, एंड दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। वो आपका क्या बनता है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमने स्टूडेंट्स ये जाना कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो दो कारणों से फेल होती है और फेल होने पे पहला जो थ्योरी का एग्जिस्टेंस आता है दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेकंड जो एग्जिस्टेंस आता है वो आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। सी अब देखिए जो मैंने यहाँ लिखा, देखिए हमने स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बताया, फिजिक्स आपको क्या, फिर जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ प्रीव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अब हम इस टर्म पे आ, ठीक है, अब हम धीरे धीरे इस टर्म पे स्टेप बाई स्टेप आएंगे, अब हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। हमने देखा कि जो सेकेंड पार्ट था एटॉमिक रियलम, अब एटॉमिक रियलम के लिए हमने बताई जो थ्योरी एग्जिस्टेंस आई, मैंने बताया था अप टू 1900 से पहले जो आपका फिजिक्स एग्जिस्ट करता था डेट वॉज क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन अब जो है वो हमें पता लग गया कि अब जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं एटम्स के लिए वो है हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स। I will tell the exact date. Okay, I'm telling you 14th December 1900. मैंने बताया था जो क्लासिकल फिजिक्स की एक्जिस्टेंस थी that was up to the 1900. लेकिन I'm telling here you the exact date 14th December 1900. And this date 14th December 1900 it was the birthday of quantum mechanics. Dear students, जो ये date थी 14 दिसंबर 1900, that was the birthday of quantum mechanics. ये quantum mechanics का इस दिन जन्मदिन था 14 दिसंबर को, exact date. You will never find while in the internet or in books that the date was 15 December or 13 December or 10 December. This was the exact date, 14 December 1900. See, quantum mechanics का before it हम इसको start करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ mechanics की हम बात करते हैं, few of the times हम कहेंगे mechanics, few of the times we will say physics, कभी कभी हम कहेंगे
कभी कहेंगे मैकेनिक्स, क्यों? क्योंकि जब मैं जनरली मैं ही क्या, कहीं भी आप बुक्स में पढ़ेंगे तो, या किसी कोई दूसरी फैकल्टी इसका वीडियो आप देखेंगे तो आप यू विल फाइंड दैट फ्यू ऑफ द टाइम्स फैकल्टी इज यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, फ्यू ऑफ द टाइम्स फैकल्टी विल प्रोनाउंस क्लासिकल फिजिक्स. तो मैकेनिक्स फिजिक्स कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, आपको कभी कंफ्यूज होने चलते हैं कि सर आपने बात किया क्वांटम मैकेनिक्स की, फिर आप बात करें क्लासिकल फिजिक्स की, आप क्वांटम फिजिक्स क्यों नहीं कह रहे हैं, आप क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों नहीं कह रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम ही. हमें इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि सर मैकेनिक्स बोल दिया तो क्या गलत हो गया या फिजिक्स बोल दिया तो क्या गलत हो गया. यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक अ क्वांटम फिजिक्स, यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक अ क्लासिकल मैकेनिक्स, डजंट मैटर एंड नीड नॉट टू वरी. ओके, तो बेसिकली जो आपको मैंने बताया था फिजिक्स के भी स्टार्टिंग मैंने बताया था फिजिक्स क्या है बेसिकली नेचर से रिलेटेड, सेम उसी नेचर से रिलेटेड आपको मैकेनिक्स भी है. मैकेनिक्स हम इसलिए कहते हैं जब मशीन्स की फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, या मशीन रीड अगर आपने कहा तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करोगे दैट विल बी पार्ट ऑफ मैकेनिक्स. वो पार्ट क्या बनेगा, मैकेनिक्स का पार्ट बनेगा. ठीक है, जैसे नॉर्मली जो होता है हमारे अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो हम कहते हैं जाओ इसको किसी मैकेनिक्स के पास ले जाओ. तो मैकेनिक जो होता है, आई एम नॉट यूजिंग देयर द टर्म एस, आई विल प्रोनाउंस इट जस्ट गो टू द मैकेनिक, व्हाट ही विल डू, वो वहां उसको रिपेयर करेगा. अच्छा, वो जो ऑब्जेक्ट को रिपेयर कर रहा है, जो वो थिंग्स को रिपेयर कर रहा है, व्हाट इज दैट, वो जो गाड़ी है, वो जो व्हीकल है जिसको मैकेनिक बनाएगा, वो व्हीकल मोशन करने के काम है. क्या कभी कोई गाड़ी खरीदता है जो ऐसे खड़ी रहे और अच्छी लगे हमें, आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना मर्जी खरीद रहे हो किसी कार को बाय करने के लिए या किसी की व्हीकल को खरीदने के लिए, तो क्या इसमें खर्च करते हैं कि घर में जाकर उसको सजा कर रखेंगे? नहीं, उस पर आप चलना पसंद करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उनका रेट आता है. तो कहने का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली आप समझो कि जो मैकेनिक उसको सही करेगा, जो हम बोलते हैं मेरी गाड़ी खराब है तो मैकेनिक के पास जाओ वो सही कर देगा, ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है तो मैकेनिक के पास जाते हैं. अलग अलग डोमेन्स, फिर वे डोमेन्स की बात, अलग अलग डोमेन्स हैं, वो डोमेन्स स्पेसिफाई किए गए हैं जहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आपको वो चीज़ें आपको सोल्यूशन उसका मिलेगा. तो मैकेनिक क्या करता है, जिन पार्ट्स को रिपेयर करता है या जिस ऑब्जेक्ट्स को सही करता है, वो ऑब्जेक्ट किसके काम आते हैं, मोशन करने के काम आते हैं. आप बाइक पर बैठे, बाइक चलाए, वो बाइक से मोशन करोगे. तो ऑब्जेक्ट अगर आप अपने आप को ऑब्जेक्ट माने, बाइक को ऑब्जेक्ट माने, तो वो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, वो मोशन हो रहा. इसी वजह से स्टूडेंट्स जब कहीं टर्म आता है मैकेनिक्स, दैट मीन्स हम मोशंस की बात करते हैं. और यहाँ जनरली जो हम बात करते हैं, इसमें से हम क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं जनरली कहते हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, पर हम जनरली क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं ना कि क्वांटम फिजिक्स कहते हैं. तो क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की. एंड व्हाट वाज दैट ऑब्जेक्ट, आई हैव टोल्ड यू दैट इन द क्वांटम मैकेनिक्स वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दिस स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ थिंग्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वहाँ उनके मोशन की बात करते हैं. इस वजह से इस केस में उनकी हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, तो मैंने बता दिया आपको कि जनरली कंफ्यूज मत हो रहे हैं स्टूडेंट्स आप कि कहीं अगर टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लासिकल फिजिक्स यूज किया गया और क्वांटम मैकेनिक्स किया गया है. मैकेनिक्स अगर आप मोशन करेंगे स्टूडेंट्स तो वो भी आपके फिजिक्स का ही पार्ट बनेगा. ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे जनरली जो है जो कि एटम्स के अंदर जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करते हैं, तो इस वजह से हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं. क्योंकि ऑलवेज मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली उनसे पूछा करते हैं कि सर क्वांटम मैकेनिक्स कहते आप पढ़ाते हो और क्यों नहीं कभी क्वांटम फिजिक्स कहते हो? सर जब पहले आप बताते थे पहले क्लासिकल फिजिक्स बताते थे, क्यों नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स बताते थे? क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं उनको भी ये रिप्लाई ही करता हूँ जो रिप्लाई मैं आपको कर रहा हूँ कि आप मैकेनिक्स को फिजिक्स को देखिए कन्फ्यूज मत होना. फिजिक्स में भी हम बॉडी के मोशन से डील करते हैं और मैकेनिक्स में भी हम बॉडी के मोशन से करते हैं. बस फर्क यही करते हैं कि जब मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं तो हम लेवल जो है माइक्रो पे रखते हैं और जब फिजिक्स देखते हैं तो लेवल हम मैक्रो पे रखते हैं, MACR. ओके स्टूडेंट्स, सो जो मैंने आपको बताया कि 14 दिसंबर 1900 ये था बर्थ डे इसका क्वांटम मैकेनिक्स, गॉट इट, क्वांटम मैकेनिक्स का ये बर्थडे था 14 दिसंबर 1900. यहाँ से अब 14 दिसंबर से अब जो फिजिक्स आती है, जो इन एटम्स के अंदर वाले पार्टिकल्स से
थ्योरीज रिलेट करती है, दैट इज नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। और ये कैसे आई, क्योंकि हमें पता लगा था कि दो डोमेन्स हमारे ऐसे बने थे जहाँ पे हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल कर रही थी। अब क्लासिकल फिजिक्स अगर कहीं ना कहीं फेल कर रही थी तो उसका हमें सोल्यूशन चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि रिसर्चर्स हैं तो वो रुकेंगे तो है नहीं, वो कंटिन्यूस रिसर्च को करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो फेल करती है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो सॉल्यूशन हम बनाते हैं आपका क्वांटम मैकेनिक्स से। अब जो 14 दिसंबर 1900 को क्यों कहा गया बर्थडे, क्या हुआ ऐसा कुछ उसमें कि हमने इसको बोला बर्थडे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट वीडियोस देखोगे स्टूडेंट्स, चाहे हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको ऐसा कोई डेट नहीं मिलेगा ना कोई फैकल्टी मिलेगा दोस्त विच यू टेल दिस इज द बर्थडे ऑफ दिस थिंग। वो जनरली या तो शेयर करेगा अपने बर्थ की डेट या तो आपसे शेयर कराएगा आप अपने बर्थडे की डेट बताइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव रिटन हियर और व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यू कैन डायरेक्टली पॉज माय वीडियो एंड कैन सी एंड कैन राइट एंड कैन अंडरस्टैंड, बट नेवर मेंशन दिस एज अ बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यू कैन राइट दिस इज नॉट रॉन्ग, बट आप इसको मेंशन ना करें बस ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक में मैंने जो बर्थडे लिखा अब आपको ये एक्साइटमेंट होगी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ होगा 1900 को जिससे ये बर्थडे हमने कहा, या उस दिन से ऐसी क्या प्रथा चल पड़ी, या कुछ क्या कुछ ऐसा हो गया जिससे हमारा जो है इस डेट से हमने अपने जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसका हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो आगे की और जो है कि इस डेट में क्या हुआ, दैट आई विल शेयर यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके स्टूडेंट्स। सो आई विल जस्ट अपलोड माई न्यू वीडियो फॉर फर्दर अबाउट एंड वॉट हैपन्स टू 14 दिसंबर 1900, सो दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। थैंक यू सो मच।